पाकिस्तान पर मंडरा रहा आर्थिक संकट और F-16 जेट्स की हालत हो गई है बहुत खराब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की वायुसेना की खराब हालत के बारे में। पाकिस्तान जो हमेशा भारत से युद्ध का सपना देखता है, इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट का सबसे बड़ा असर उसके F-16 फाइटर जेट्स पर पड़ा है, जो अब उड़ान भरने के बजाय जमीन पर खड़े हैं। आइए जानते हैं इस पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, विदेशी कर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। इस आर्थिक संकट का सीधा असर देश की वायुसेना पर पड़ा है, खासकर उसके F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल तैयारी पर बुरा असर पड़ रहा है। इन फाइटर जेट्स की मरम्मत के लिए जरूरी कलपुर्जे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे ये जेट उड़ान भरने में असमर्थ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की दिमिराज डेविल फैक्ट्री, जो F-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत का काम करती है, उसने हाल ही में गंभीर वित्तीय संकट को लेकर चेतावनी दी है कि फैक्ट्री ने बताया है उसे अमेरिका के विदेश सैन्य खरीद के तहत $6,82,000 का भुगतान करना है। अगर यह भुगतान नहीं किया तो F-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत नहीं हो पाएगी और जरूरी कलपुर्जे नहीं मिल पाएंगे। फैक्ट्री ने कहा है कि F-16 फाइटर जेट्स का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है और कलपुर्जे नहीं मिलने से उनकी ऑपरेशन तैयारी खतरे में पड़ जाएंगी। पाकिस्तान की यह स्थिति ऐसे समय पर सामने आई है जब वह भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारतीय कश्मीर पर कब्जे के सपने देखता आया है, लेकिन इस आर्थिक संकट और F-16 फाइटर जेट्स की खराब हालत के कारण उसकी युद्ध करने की क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान की वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जेट्स न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि युद्ध के दौरान भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से कुल 40 F-16 फाइटर जेट्स खरीदे थे। इसके बाद इन विमानों को कई बार अपग्रेड किया गया है। अमेरिका ने इन विमानों को देने से पहले कड़ी शर्तें रखी थी ताकि चीन को इसके भेद पता नहीं चल पाए। साल 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $45 करोड़ की मदद दी थी ताकि F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े को अपग्रेड किया जा सके। भारत ने इस सहायता का कड़ा विरोध किया था। इससे पहले अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को बंद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को मदद देता था, जिससे ट्रंप नाराज थे। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 फाइटर जेट्स भी बनाया है, लेकिन F-16 का महत्व फिर भी अधिक है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स ने बालाकोट हवाई हमले के बाद भारतीय MiG-21 जेट को मार गिराया था। इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट मार गिराया था। जहां अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया है, वहीं भारत को इससे अधिक घातक F-21 और F-35 का ऑफर दिया है। यह दिखता है कि अमेरिका की प्राथमिकता भारत के साथ अधिक है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा संबंध है और यह पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट और F-16 फाइटर जेट्स की खराब हालत उसके सुरक्षा तंत्र में के लिए गंभीर खतरा है। भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने वाला पाकिस्तान इस समय अपने फाइटर जेट्स को मेंटेन करने में भी असमर्थ है। इससे उसकी वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति सुधारने और रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वह अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सके और अपने फाइटर जेट्स की मरम्मत करा पाए। तो यह थी आज की पाकिस्तान के बारे में न्यूज़। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।